अरब सागर में सक्रिय विकराल चक्रवाती तूफान बिपोर जॉय के कारण भारत पाकिस्तान के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 11 जून को आशंका जताई थी कि 15 जून को ये साइक्लोन बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बदल सकता है। लोग लगातार सोशल मीडिया, टीवी और वेबसाइट्स पर चक्रवात बिपोर जॉय से जुड़ी अपडेट्स चेक कर रहे हैं। मीडिया संस्थानों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के अलावा मौसम विभाग की तरफ से समय समय पर रियल टाइम अपडेट दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस चक्रवाती तूफान से जुड़ी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जमीनी हकीकत को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन अब आसमान से साइक्लोन के तांडव की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल नासा के अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने हाल ही में अरब सागर में सक्रिय साइक्लोन बिपोर जॉय की तस्वीरें साझा की। NOAA-20 उपग्रह पर लगे VIIRS यानी विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट ने 14 जून को इस चक्रवात की तस्वीर ली थी। बिपोर जॉय कहर बरपा रहा है। कहा जा रहा है कि ये चक्रवाती तूफान 15 जून की रात को अति प्रचंड चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। कहा जा रहा है कि बिपोर जॉय 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। वहीं जानकारी के मुताबिक तट को पार करने की लैंडफॉल की प्रक्रिया भी 15 जून की शाम से शुरू हो सकती है, जो कि मध्य रात्रि तक जारी रह सकती है। भारत में चक्रवाती तूफान बिपोर जॉय का टट कर सामना करने के लिए सरकार, NDRF, इंडियन कोस्ट गार्ड और रेल मंत्रालय ने पहले से ही तैयारी कर ली है। तटीय इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चक्रवाती तूफान के गुजरात तक पहुंचने से पहले ही गुजरात के कई इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार द्वारका और गिर सोमनाथ समेत कई जगहों पर पेड़ पौधों और मकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि NDRF के DG के मुताबिक लोगों को सुरक्षित रखने के लिए गुजरात से लगभग 1,00,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के गांधीनगर के राहत आयुक्त आलोक पांडे के मुताबिक 15 जून को दोपहर 2 बजे के आसपास चक्रवात बिपोर जॉय की गति कम हो गई, लेकिन हवा की गति की बात करें तो उन्होंने कहा कि विंड स्पीड लगभग 110 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि बहुत खतरनाक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के उप महानिदेशक MB पाठक से मिली जानकारी के अनुसार बचाव और राहत कार्य के लिए बंदरगाह पर जहाज तैनात किए गए हैं। गुजरात में 4 फास्ट पेट्रोल वाहन, 3 ऑफशोर पेट्रोल वाहनों के अलावा 1 ALH, 8 इंटरसेप्ट नाव और 3 डोर्नियर तैयार हैं। वहीं दमन में भी 1 ALH तैयार है। इसके अलावा 4 डोर्नियर और 4 चेतक भी तैयार हैं। MV पाठक के अनुसार गुजरात में 23 DRT की टीमें भी तैयार हैं। कच्छ में जखाऊ पोर्ट के आसपास रहने वाले करीब 74,000 लोगों को एहतियातन सेफ जगह शिफ्ट किया गया। भुज के SP करण राज बघेला के अनुसार लगभग 50,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जहां मेडिकल हेल्प और खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। जामनगर एयरपोर्ट के निदेशक DK सिंह ने जानकारी दी कि 14 जुलाई दोपहर 1:30 से लेकर 16 जुलाई रात 11:59 तक के लिए NOTAM जारी किया गया है, यानी कोई भी कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं चलेंगी। इस दौरान केवल इमरजेंसी और राहत कार्य से जुड़ी फ्लाइट्स ही उड़ान भर सकती हैं। पाकिस्तान की बात करें तो वहां के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान के वहां दस्तक देते ही भारी बारिश की आशंका जताई गई थी। कहा गया था कि पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में भीषण बाढ़ आ सकती है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।